चलो ये वाला तो हो ही गया था ना, सबसे प्रूफ हो गया था। यस सर। ये वाला क्वेश्चन हो गया था नहीं? यस सर। ये वाला भी हो गया था। ये इसमें प्रॉब्लम है किसी को? सर ए आ रहा था, आंसर कंफर्म कर दीजिए। इसका आंसर ए सही है। कम्यूटेटिव बोला है तो सर एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स है तो अब क्यों नहीं? कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है? ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी ए। बी ए हो जाएगा, ऐसा बोल रहे ठीक है, yes. बताते हैं क्या? ये सिमेट्रिक आ गया था तुम्हारा, ऊपर वाला पहला स्टेटमेंट सही था। यस सर। पहला स्टेटमेंट इसने बोला कि ये भी सिमेट्रिक होगा जब ये क्या हो? कम्यूटेटिव हो। तो यानी कि ए बी ट्रांसपोज निकालोगे तो ये क्या आएगा? क्या इसको बोलोगे बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज और दोनों सिमेट्रिक है तो क्या ये बी ए आएगा? और इसने बोला जो बी ए इक्वल्स टू क्या होता है? ए बी। तो देखो yes. इसका ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आ गया? ए बी आ गया। खत्म, सही है स्टेटमेंट सेकंड में, लेकिन इन दोनों को अगर रिलेट नहीं कर पा रहे इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन ये वाला नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला सब हो गया? यस सर। सी एंड डी। सी एंड डी। सी एंड डी। सी एंड डी आ रहा है। तो देखो सिंपल क्वेश्चन भी पूछता है ना जी, ये वाला देखो ना सिंपल ही तो है, इसमें कुछ है? किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हो। थोड़े ही सिंपल होते हैं, सारे नहीं होते। 11:30। हां कुछ होते हैं सिंपल। बताना है किसी को? बताओ। नो सर। चलो इसमें देखते हैं। यहाँ अपने को गिवन है p ट्रांसपोज इक्वल्स टू 2p प्लस i और अपने को किस पे कमेंट करना है भाई? तो p इंटू आई पे कमेंट करना है ठीक है। सबसे पहले तो p ट्रांसपोज इक्वल्स टू 2p प्लस i है, यानी कि हमें p में चाहिए, ट्रांसपोज को हटाना है। क्या करें? ट्रांसपोज ले लेते हैं, वो साइड ट्रांसपोज ले लेते हैं, चलेगा। तो p ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो राइट हैंड साइड में भी क्या बोलोगे? क्या 2p प्लस i ट्रांसपोज बोलोगे? अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं? तो क्या ये 2p ट्रांसपोज प्लस i ट्रांसपोज क्या होता है? i होता है, i होता है, i होता है। और p ट्रांसपोज अपने को गिवन है, क्या इसका यूज कर लें? तो ये हो जाएगा 2p प्लस i प्लस i, बोले तो इधर आ गया 4p प्लस 3i और इधर क्या है? p है। तो तुम्हें क्या दिख रहा है यहाँ पे? क्या ये p इक्वल टू माइनस i इज इक्वल टू माइनस प्लस 3i इक्वल्स टू 0, तो क्या p इक्वल्स टू माइनस i दिख रहा है आपको? यस सर। अब जो इसमें x से मल्टीप्लाई कर दे, कर देते हैं। तो अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या ये माइनस i x होगा? माइनस i x को क्या बोलेंगे? माइनस माइनस x क्रॉस 3 है और ये क्या है? 3 क्रॉस 1 है, तो क्या इसको अपन माइनस i बोल सकते हैं? यस सर। तो कौन सा दिल्ली आया? सही है। तो माइनस एक्स कैसे कह दे रहे हैं? सोचो ये आई जो है, ठीक है ना, आई का ऑर्डर बताओ क्या है? 3 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3 एक्स। हाँ, और एक्स का क्या है? एक्स देख लो क्या है तुम्हारा? 3 क्रॉस 1। तो क्या है अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 क्रॉस 3 इंटू 3 क्रॉस i? यस सर कर सकते हैं। तो क्या इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड क्या ये एक्स आएगा? पहले से माइनस है तो माइनस एक्स आ गया। हाँ सर, 3 क्रॉस 1 का वही आ जाएगा। हाँ चलेगा, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में बताइए। सर बी 198 सर, बी सर मेरा भी आया था, सर मेरा भी आया था। किसका इसका बी आया है? सर मेरा। सर मेरा मेरा चलो देखते हैं इसको। अपने को दिया है 3 क्रॉस 3, ठीक है ना, मैट्रिसेस है M,
और उसमें जो एलिमेंट अपन रख सकते हैं वो क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2 हो सकता है। अब इसके बारे में बोला है जो डायगोनल एंट्रीज जो है ना ऑफ एम ट्रांसपोज इनटू एम, इसका जो सम है, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज वो क्या है, 5 के इक्वल है। तो सबसे पहले ये बताओ, अगर एम अपन बोले तो 3x3 का क्या बोलोगे आप, लेट कर लो कुछ भी, बोल दो, चलो ऐसा लिख लेते A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। तो M ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, उठाओ इधर रखो, तो क्या आ जाएगा, क्या ये A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ऐसा हो जाएगा। अब इसे बोला जो m ट्रांसपोज इनटू m करना है अपने को, कर लेते हैं, देख लेते हैं उसके डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में अपन बात करेंगे। तो यहां से आ गया ये a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा, ऐसा होगा। तो क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है जो a1² + b1² + c1² क्या अपन ने कुछ गलत लिखा है क्या? नो सर, नहीं सर, सही लिखा है। हाँ, यहाँ पे क्या ये c1² आ रहा है? यस सही है। अब सोचो यहाँ पे अपने को मतलब नहीं, यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं, ये वाला अब चाहिए यहाँ पे, यहाँ बताओ तो क्या आएगा, तो क्या ये a2² + b2² + c2² होगा? यहाँ से मतलब नहीं है, यहाँ से ही मतलब नहीं, यहाँ से मतलब नहीं। जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे फिल करोगे तुम? यस सर। a3² + b3² + c3² हो जाएगा, नहीं ऐसा हो जाएगा। इसने बोला कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, इसका जो सम है वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। चलो देखते हैं। तो यहाँ से आपके पास आया ट्रेस, कह सकते हैं ये कुलाइ ट्रेस ऑफ m ट्रांसपोज इनटू m जो है ना, ये तुम्हारा किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो देखो तो ट्रेस क्या है, अगर इन सब का सम करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, a1² एलिमेंट का सम प्लस a3² लिख सकते हैं ऐसा। तो यहां से आ गया a1² + a2² + a3² फिर क्या लिख दोगे, b1² + b2² + b3² फिर आ जाएगा c1² + c2² + c3² = 5। अब सोचो यार, तुम जो एलिमेंट रख सकते हो क्या क्या हो सकता है, 0, 1 और 2 हो सकता है, और उसके स्क्वायर का सम सोचो 5 हो सकता है। 5 क्या कब कब पॉसिबल है सोचो थोड़ा, जब या फिर 1, 1, 2 और 1, 2 हो जाए, 2, 2 और 1, 1 हो जाए, 2, 2, 1 से हो सकता है भाई, स्क्वायर है, 2, 2, 1, 1, 2 और 1, 1। सोचो ऐसा हो जाए, या तो अपने पास बोलेंगे इन टोटल कितना है, 9 है ये, 3, 3, 3, 9 है, इन 9 में से क्या हो जाए, 5 जो है ना वो क्या हो जाए, 1, ऐसा पॉसिबल है, तब जाके सम क्या होगा, 5 इक्वल है होगा। तो देखो एक केस आपने बोल दिया इसमें से, केस 1, 1, 1, 1, 1, 1 ऐसा, और बाकी सब क्या हो गए, 0, यही बोलोगे ना? यस सर, यस सर। और केस 2 क्या हो सकता है, 1, 2, 1, 1 बाकी सब 0। किसी के मन में सवाल हो रहा होगा तो सर 2 2 ले लेते हैं, सोचो यार यहाँ पे 2 लगोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर यस सर 2 होगा तो उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, तो 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया ना, तो नाम चाहिए अपने को 5 चाहिए, यानी कि 2 मैक्सिमम कितना रख सकते हो आप, 1 रखोगे, 1 ऐसे ही 1 2 रखोगे वो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4 ऐसा होगा।
तो चलो अपन एक टू रखेंगे, तो एक टू रखेंगे तो उसका स्क्वायर फोर बन जाएगा, तो दूसरा क्या वन रखना पड़ेगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। यस सर, ऐसा बोलोगे। तो चलो केस वन में सोचते हैं, भाई ये नौ डिफरेंट पर्सन है, ठीक है ना, नाइन पर्सन है, इनमें से पांच को सेलेक्ट करके वन दे देते हैं, बाकी सबको जीरो मिल जाएगा। क्लियर सबको? यस सर। तो केस वन का आप सॉल्यूशन क्या बताओगे, इनमें से नाइन में से आप क्या करो, 95 तो क्या ये 9C5 होगा इसका, पहले वाले का? Yes, sir. अब जो फोर बच गया उसको दे दो, जीरो दे दो, खत्म। इसमें से क्या बोलोगे, नाइन में से 9C2 × 2 9C1 × 8C1 नाइन में से टू को सेलेक्ट कर लेते, दो बच्चे को सेलेक्ट कर लिए हमने। अब उन दोनों बच्चों में से हम क्या कर रहे हैं, अपने पास एक तो वन है दूसरा टू है, वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या टू फैक्टोरियल से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? Yes, sir. कर सकते हैं। तो क्या इन टू टू फैक्टोरियल लिख दें यहाँ पे? क्या केस जो आता है तो क्या ऐड करते हैं उसको, क्या यही आंसर होगा? तो ये आंसर कितना आ रहा है, यही आ रहा होगा। सबको समझ में आया ना सर? वो 9C5 वाले में सर सिर्फ 5 सिलेक्ट कर रहे हैं, एक बार समझा दिए वो कैसे ये। तो अपने पास ना एक वाला कितना, एक सिक्का जो है ना, एक वाला कॉइन जो है ना 5 है अपने पास, तुम्हारे पास टोटल 9% है, 9% में से अपने को 5 को सिलेक्ट करके वो कॉइन देना है। तो क्या करें, 9C5 सिलेक्ट करते उसको दे दे कॉइन लो। अरेंज करने का क्या तरीका होगा, एक ही तरीका होगा ना, क्योंकि आइडेंटिकल चीजें अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्लियर है? यस सर। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, 9C5 चलेगा। अब सोचो दूसरे के बारे में, आपके पास एक कॉइन कितने का है, 1 का है, दूसरा क्या है, 2 का है। आपने क्या किया, 9% में से 2% को सिलेक्ट किया वो दोनों कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो कैसे सिलेक्ट करते हो, तो 9C2 से आपने सिलेक्ट कर लिया। अब आपके पास दो कॉइन है डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे, टू फैक्टोरियल से डिस्ट्रीब्यूट करो उसको। यस, क्योंकि आइडेंटिकल नहीं है। सबको समझ में आया ये वाला? तो अच्छे से सीखेंगे, ठीक है ना। लिखने का हो सकता है मौका ना दिया जाए तो आप घर पे लिख लेना, ठीक है, लेकिन अच्छे से समझ के याद करते चलेंगे। ये सब याद होना चाहिए, याद होगा। और ये मेडिसिन जो पढ़े हो ना, कम से कम इसको 3-4 बार पलटोगे पेज को स्टार्टिंग से, पूरा थ्योरी आपको समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए, तब क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होगा, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं एडजॉइंट के बारे में, किसी भी मैट्रिसेस यानी कि स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में बात कर रहे हैं। इसका अगर एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर फाइंड करना आपने डिटरमिनेंट में सीखा था, कोफैक्टर क्या होता था माइनर के बारे में याद है तुम लोगों? यस सर। यस सर। इक्वल्स टू क्या लिखते थे? -1 to the power i + j into minor cij equals to -1 to the power i + j लिखते थे into mij लिखते थे, याद है सबको? यस। जब i plus j का सम ऑड आता था तो माइनस बाहर आता था, नहीं? क्या ये माइनस वन टू द पावर वन प्लस वन हो जाएगा इसको हटाओगे तो माइनर इसका क्या आ जाएगा, क्या ये 8-2-2 आएगा, 8-2-3 आएगा, 8-3-2 आएगा, 8-3-3 आएगा, क्या ये बातें सबको क्लियर है? Yes, sir. इसको हटाया मैंने, इसको हटाया तो बचा ये वाला पार्ट, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया, ये माइनर हुआ, चलेगा।
अब C11 आ गया, यहाँ पे देखो ये माइनस वन टू द पावर क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। यस सर। आपको ऐसे ही पता चल जाएगा यार, अल्टरनेट साइन लेते हैं अपन, प्लस माइनस कर लो उससे भी क्यों इतना देखना, प्लस माइनस कर लेते हैं। क्या यहाँ पे प्लस होगा, अगला वाला माइनस होगा, फिर ये प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस अल्टरनेट चल रहा है, नहीं माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा बोलोगे? यस सर। यस सर। ठीक है, तो C11 आ गया, ऐसे ही क्या तुम C12 फाइंड कर सकते हो, उसमें तो माइनस आएगा, इसको हटाओगे इसको हटाओगे तो क्या क्या आ रहा है, A21, ठीक है ना, उसके बाद क्या हो गया A23, A31, A33, ऐसा आएगा। यस सर। सबका कोफैक्टर आप फाइंड कर लोगे, कोफैक्टर फाइंड करने के बाद जो अपन क्या करेंगे ना, उसका ट्रांसपोज लेंगे, कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट होता है, यानी कि अपन लिख सकते हैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, ये जो कोफैक्टर आया अपन इसको सी आई जे बोल रहे हैं, इसका ट्रांसपोज एडजॉइंट होता है। समझ में आया? यस सर। यस सर। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, कोफैक्टर फाइंड करेंगे, कोफैक्टर वाले को लिखेंगे, फिर उसका जो ट्रांसपोज लेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, एडजॉइंट मिलेगा। देखो जैसे यहाँ पे A11 है, देखो A12 आया, A13 आया, क्या इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये वाला आएगा। यस सर। यस यस सर। यहाँ पे C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 और इसका ट्रांसपोज, यही क्या होगा, एडजॉइंट आएगा। सबको क्लियर है एडजॉइंट फाइंड करना, सबको आ गया? यस सर। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो सबसे पहला काम क्या होगा, उसका अपन कोफैक्टर फाइंड करेंगे, फिर कोफैक्टर फाइंड करने के बाद यहां पे हमने लिख दिया, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। ऐसा बोलोगे? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका फटाफट आपको एडजॉइंट फाइंड करना है, करो एक बार, सबको करना है। आ गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सी वन वन आया होगा, इसको हटाया माइनस टू जीरो टू माइनस वन, यानी कि ये आ गया आपका टू, सी वन टू आया होगा, माइनस लगा दो आगे, इसको हटाया तो क्या आया, टू वन जीरो माइनस वन, ऐसा आया तो माइनस टू, क्या ये भी टू आया, सी वन थ्री, इसको हटाओ टू वन सिक्स माइनस टू टू, यानी कि ये सिक्स आया। सबने फाइंड कर लिया है क्या? यस सर। यस सर। चलो तो बता दो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या क्या लिखोगे और इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे टू आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, इसमें से बताओ क्या आएगा, -1 -2 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 -
तो अब एडजॉइंट क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे अपन, क्या ये 2, 2, 6 होगा, -1, -2, -5 होगा, तो वो बीच वाला प्लस कैसे होगा,
आई थिंक माइनस टू होगा, माइनस माइनस टू ही होगा, माइनस टू ही आ रहा है हमारा। तो भाई आप चेक कर लीजिए सर एक बार, थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर यहाँ वाला ना, चलो इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये आपका आ गया जीरो, ये आ गया आपका टू आ गया, ठीक है ना। पहले से माइनस है, माइनस की सही तरह माइनस आएगा, ठीक है। तो इसको माइनस लिखेंगे, तो ये वाला आ गया यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद इसके बारे में बता दो, क्या ये माइनस टू माइनस टू माइनस एट होगा? ये आ गया एडजॉइंट, एडजॉइंट फाइंड करना सबको आ गया ना? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं ये जो एडजॉइंट है, मतलब ये मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट आपने फाइंड किया। देखो क्या क्या हो रहा है, ध्यान से देखना है। अपन ऐसा करते हैं, पहले तो थ्री क्रॉस थ्री का ले लेते हैं, ठीक है ना। ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ऐसा, ठीक है। अगर इसका अपन एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, या कोफैक्टर यहाँ पे जो आएगा उसका ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पे C11, C12 और C13 होगा क्या? Yes, 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 yes sir. यहाँ पे 21, 22, 23, 31, 32, 33 चलेगा। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, जो भाई अगर A into adjoint A करोगे तो क्या होगा, अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। क्या ये बातें सबको क्लियर है? यस सर, यस सर, की वैल्यू आ जाएगी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं ऐसा। अब सोचो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जीरो आएगा? जीरो, यस सर, आई आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। रिस्पोंडिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते तो डिटरमिनेंट आते हैं, अदरवाइज क्या जीरो आते हैं? जीरो आ जाते हैं। यस सर, क्या यहां पे जीरो आएगा? ए इनटू वाई आएगा, डायगोनल में होंगे। अब सोचो इसको इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर से जीरो, ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा? यस सर, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो, जीरो जीरो डिटरमिनेंट ऑफ ए आया ऐसा। अब देखो तो क्या मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ a into adjoint of a equals to, अब सोचो यार ये तो मैट्रिक्स है, क्या इसमें से इसको, ये तो स्केलर क्वांटिटी है ना, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है, डिटरमिनेंट a into i को बाहर निकाल सकते हैं। हाँ, i of order n, डिटरमिनेंट ऑफ a into i3, मॉड a का क्यूब नहीं होगा क्या, ऐसा लिखेंगे? यस सर, यस सर, थ्री ऑर्डर का ये चलेगा, इसीलिए आई थ्री लिख रहे हैं। अब सोचो इसको अगर जनरलाइज कर दिया जाए, अगर ये एन ऑर्डर का है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन? यस सर, यस सर। देखो आप सब कुछ मैट्रिक्स में भूल जाना, लेकिन ये वाला ना प्रॉपर्टी मत भूलना, ये अपने को याद रखना है, सारा सब कुछ यहीं से आएगा, अभी अच्छे से फिट कर लो। देखो क्या है, a into adjoint a equals to determinant of a into i n, चलेगा सर? एक डाउट आ रहा है सर, वो मॉड ए का जो है वो क्यूब नहीं होगा क्या, डिटरमिनेंट तीन बार नहीं निकलेगा? अरे मैट्रिक्स से तो पूरे से निकलता है, मैट्रिक्स है ना? अच्छा मैट्रिक्स है, ठीक है, पूरे से निकल जाए, ठीक है। सबको याद हो गया ये a into adjoint a equals to determinant of a into i n, ऐसा बोलेंगे? Yes, yes। अब सोचो तो यार अगर तुम ऐसा करते, कोई बच्चा बोलता सर मैं पहले adjoint of a लिखूंगा into matrix a equals to, तो क्या ये ऐसा ही आएगा कि determinant of a? Yes, sir। Yes, sir। Yes, sir। Same। तो ये भी अपने को याद रखना है, जो भाई ये दोनों इक्वल होता है, a into adjoint a equals to adjoint
a इनटू a, सब कुछ भूल जाना है लेकिन ये वाला अपने को नहीं भूलना है, ठीक है ना? Yes, sir. अब देखो इससे कैसे कैसे अपन आगे बढ़ते हैं। पहला वही प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। अब सोचो अगर तुमसे कुछ भी, जैसे ये यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछा गया है ना, तो देखो डिटरमिनेंट का वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे। इसी में बोथ साइड ले लेंगे डिटरमिनेंट। हां हां तो ठीक है ना। देखो अब इसका प्रूफ देखते हैं अपन। अभी कौन सा प्रॉपर्टी आपने याद किया है? a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू i n, ऐसा, ठीक है ना? तो अब सोचो अगर अपने को डिटरमिनेंट फाइंड करना है, क्या एडजॉइंट भी एक मैट्रिक्स होता है क्या? यस सर। एडजॉइंट भी एक मैट्रिक्स होता है, जो कि आपने पीछे फाइंड किया था कोफैक्टर के ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स होता है, वो भी तो एक मैट्रिक्स ही आएगा। मतलब जो भी मैट्रिक्स से प्रॉपर्टी लगता है उसपे भी लगेगा, कुछ अलग नहीं है। यस सर। लेना है ऐसा नहीं ये कुछ अलग प्राणी है, नहीं वही सेम है। एडजॉइंट मतलब ये भी मैट्रिक्स है, बस लिखा हुआ है एडजॉइंट, ठीक है चलेगा। अब सोचो यार अगर अपन यहाँ पे डिटरमिनेंट लगाएंगे तो क्या होगा? लगा दो इधर भी ऐसा। इसका मतलब क्या है? स्केल अप हार आ जाएगा, स्केल अप हार आ जाएगा, पावर ऑफ पॉइंट विद पावर एन। अब सोचो अगर राइट हैंड साइड डिटरमिनेंट ऑफ ए ही है, मतलब डिटरमिनेंट निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन बाहर, तो क्या एक तरफ से ये बाहर आएगा, दूसरे रो से ये बाहर आएगा, तीसरे से ये बाहर आएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे अगर यहाँ पे तुम डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखते, तो क्या इधर भी आता डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई थ्री? ऐसा तो बोल देते सर इसी का तो डिटरमिनेंट आप फाइंड कर रहे हो ना, इससे बाहर निकालो, इससे निकालो, इससे निकालो, तो क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर थ्री इनटू डिटरमिनेंट ऑफ आई थ्री, इसका वैल्यू तो वन होगा, तो क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर थ्री होगा? Yes, yes, sir. तो इस बेसिस पे क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, क्या यहाँ पे आप बोलोगे ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n इनटू डिटरमिनेंट ऑफ i n, ऐसा देख लो अच्छे से। i n वन हो जाएगा और वो a इधर आ जाएगा, तो हाँ ये वन हो जाएगा, तो क्या यहाँ से आप बोलोगे डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n होगा? सर वो a की पावर n कैसे हुआ है? क्या बोले? a की पावर n कैसे किया है? a की पावर, देखो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसमें तुमने ये कितने ऑर्डर का है? n ऑर्डर का है। यस सर। और इसमें तुमने डिटरमिनेंट ऑफ a से मल्टीप्लाई किए हो, तो क्या होगा इसका डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो क्या आ रहा है? ये आ रहा है, ऐसा। इस डिटरमिनेंट का अगर वैल्यू निकालना होगा तो क्या बोलोगे? इस रो से अपन इसको बाहर करते हैं, इस रो से बाहर करते हैं, हां n टाइम्स निकलेगा, तो है तो क्या डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n होगा? यस सर होगा। अब क्लियर है? यस सर। चलेगा, ठीक है। अब सोचो अगर a इनटू b हो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या लिखते हो आप? अगर आपसे पूछा जाएगा क्या अपन इधर भी लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, ऐसा। अब सोचो ये तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटीज को अपन डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a, ऐसा। तो ये क्या आ जाएगा भाई? तो आ जाएगा क्या डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस वन, याद रखोगे ऐसा? बताओ। यस सर। जिस बच्चे को ये वाला प्रॉपर्टी याद होगा ना, a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू i n, अगर भूल भी जाएगा तो उसको फाइंड करना आएगा, कोई टफ काम नहीं है। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को अपने को याद रखना है। सबको क्लियर है? हाँ ना बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है आगे बढ़े।
अब सोचो तो अगर ऐसा लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, आपको पता है ट्रांसपोज में आप क्या करते थे, अगर ए इनटू बी पलट ट्रांसपोज, हां पलट जाता था, सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज लिखते थे। यस सर। तो इसमें भी ऐसा होता है, अगर अपन बात करेंगे एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। अगर यही रहता एडजॉइंट ऑफ ए बी सी, तो ये क्या हो जाता एडजॉइंट ऑफ सी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर तुमसे प्रूफ करने के लिए बोला जाता तो तुम कर लेते क्या, ये हो जाता? Yes, sir. जब ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो फिर पलट जाएगा ऑर्डर, तो अब मल्टीप्लिकेशन में भी ऑर्डर पलटना पड़ेगा फिर। इसको क्या उसी से प्रूफ करते जो अगर जिसको बोला मैंने उसको याद रखना है फाइव स्टार वाला, ठीक है ना, चलो उसी से देखते हैं, इसको प्रूफ करके देखते हैं। अब सोचो यार तुमने बोला है एडजॉइंट, आपने जो पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए इक्वल्स टू क्या होता था, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई एन होता था। यस सर। चलेगा, तो अपने पास क्या है यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ, अगर मैं लिखूं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो क्या तुम यहाँ बोलोगे ए बी और इधर लिखोगे डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इनटू आई एन, देखो तो। Yes, sir. चलेगा। अब सोचो यार हमें क्या बनाना है ना, इसको कन्वर्ट करना है, मतलब इस साइड ये बचना चाहिए और राइट हैंड साइड में ऐसा क्रिएट हो जाना चाहिए, क्या किया जाए देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस डिटरमिनेंट को देखो, क्या इसको ब्रेक कर सकते हो, लिख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इनटू आई एन। यस सर। यस सर। तो आई एन को ट्वाइस लिख दे फिर सर सही से अरेंज करके दो टर्म्स आ जाएंगे ऐसा। अब तो जो एडजॉइंट ऑफ ए राइट साइड में बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, अगर एडजॉइंट ऑफ ए से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दे, प्री मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं बोथ साइड, तो आईएन से कर दो मल्टीप्लाई दोनों साइड, आईएन से, आईएन से क्या करोगे दोनों साइड मोडे सर डिटरमिनेंट ऑफ ए आईएन को ही सर हम वहां पे लिख दें, इसको आई एन को डायरेक्ट लिखना, ये और आई एन को लिखना चाह रहे हो इसके ऊपर। यस यस सर। बी वाले के साथ भी सेम। यस सर। फिर ए कैंसिल कर देंगे, ऐसा फैसिलिटी अवेलेबल है, इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनवर्स से मल्टीप्लाई, इनवर्स तो पढ़े आते ही है ना सब अभी, पर एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे सब समझ में आ जाए सबको। तो एडजॉइंट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सोचो इधर आ गया एडजॉइंट ए, ठीक है ना, इनटू ए बी एडजॉइंट ए बी, और इधर भी क्या आ जाएगा, क्या लिखोगे एडजॉइंट ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी इनटू आई एन, ऐसा लिख सकते हैं, चलेगा। अब सोचो यार इसका वैल्यू किसके इक्वल बता सकते हो, इस वाले का वैल्यू किसके इक्वल बता सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई एन, आई एन तो चलो आई एन इससे मल्टीप्लाई होके फिर खत्म हो जाएगा, नहीं आई एन का टेंशन नहीं है, आई एन चाहे बी से मल्टीप्लाई होके बी ही हो जाएगा, अगर किसी भी मैट्रिक्स में सेम ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वापस से वही मैट्रिक्स आएगा, yes, sir. आएगा yes, sir. तो आई एन से तो प्रॉब्लम अपने को नहीं है। अब सोचो यार ये डिटरमिनेंट ऑफ ए आया यानी कि स्केलर क्वांटिटी आया, इसको तो अपन कट कर सकते हैं ना, यस सर, इसको गायब कर देंगे, समझ में आ रही बात है, यस सर। तो हमने इसको और इसको गायब कर दिया, अगर गायब करेंगे तो अब क्या बचा, तो अब आपके पास बच गया है एडजॉइंट ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, हां बी इनटू एडजॉइंट ए बी equals to आपके पास बच गया है यहाँ पे adjoint, तो determinant of b into adjoint a, ठीक है ना, ऐसा है, चलेगा।
अब सोचो तो फिर से प्री मल्टीप्लिकेशन करें अपन किससे एडजॉइंट ऑफ बी एंड बी कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ बी से अपन ना प्री मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट एबी देखो प्रूफ आए ना आए अपने को प्रॉपर्टी याद रहना चाहिए तो यहां से आगे ये एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इसको देखो और उसको देखो क्या एडजॉइंट ऑफ बी इनटू बी जो होगा क्या ये किसके इक्वल होगा भाई डिटरमिनेंट ऑफ बी इनटू आई एन इनटू आई एन ये बी और ये बी गाय गायब और आई एन और ये मल्टीप्लाई हो गया क्या वापस से वही बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी बन जाएगा क्योंकि सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए समझ में आया सबको यस सर चलेगा तो इस प्रॉपर्टी को ना अपन याद रखेंगे इस वाले को चलो इस वाले को किंग प्रॉपर्टी बोल देते हैं किंग प्रॉपर्टी एक और आएगा जब अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे होंगे किंग भी आएगा और साथ में वहां पे क्वीन भी आएगा ठीक है ना तो इस प्रॉपर्टी को अपन याद रखेंगे कुछ भी हो जाए ये नहीं भूलना चाहिए आगे बढ़े yes, चलेगा इसके बारे में बात करते हैं ये भी वैसे ही प्रूफ होगा इसने बोला एडजॉइंट ऑफ ए ए इक्वल्स टू इतना होगा सब एक बार फटाफट ट्राई करो दो खुद से सबको ट्राई करना है यस सर हो गया हर एक प्रॉपर्टी को याद रखना है अगर मान के भूल भी जाओगे तो तुम्हें ये वाला प्रॉपर्टी आएगा ना तो वहां से तुम प्रूफ कर सकते हो याद कर सकते हो अरे सर डन यस सर यहाँ पे सो जो के ए है तो ए को रिप्लेस कर दे के यहाँ पे क्या आ जाएगा के ए आ जाएगा और इसको क्या लिखते हैं एडजॉइंट के ए बोल देते हैं और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ के ए आएगा इनटू आई एन आएगा ऐसा बोलोगे यस सर क्लियर है अब सोचो तो यार ये जो है एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसमें के से मल्टीप्लाई के क्या है स्केलर क्वांटिटी है तो क्या k को अगर बाहर निकालेंगे तो क्या होगा k टू द पावर n n होगा इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू i n आएगा ऐसा yes, अब तो यहां पे क्या है k इनटू a है अब क्या किया जाए एक k को तो बाहर फेंक देते हैं चलो यहां एडजॉइंट ऑफ a से प्री मल्टीप्लाई यस सर यहां पे ये k आ गया अब इसने बोला सर ऐसा कर लो यही वाला यूज कर लो तो ये वाला यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यस तो यहां से क्या हो जाएगा एडजॉइंट ए से आपने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड ठीक है ना तो ये आ गया ए इनटू एडजॉइंट के ए और इसको लिख सकते हो के टू द पावर एन माइनस वन इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू I n into adjoint A चलेगा जी yes sir लिख सकते हैं अब इसके बारे में बताइए तो ये किसके इक्वल होगा determinant of A into A sir हाँ जी sir इस step में equals to के बाद adjoint A को तो पहले लिखना चाहिए ना क्या चीज sir equals to RHS में adjoint A को तो पहले लिखना चाहिए sir मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसको बाद में हां कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये स्केलर है ये आइडेंटिटी उससे मल्टीप्लाई भी हो जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ेगा लेकिन हां तुम लिख लो पहले लिखो कंफ्यूज नहीं होना ठीक है ना चलेगा yes, अब सोचो ये वाला और ये वाला क्या कैंसिल कर सकते हैं अपन यस सर ये तो स्केलर है कर सकते हैं
तो यहाँ से इसको इसको अपन उड़ा दिए गायब। अब देखो क्या क्या आया आपके पास, क्या यहाँ से आप बोलोगे एडजॉइंट ऑफ ए ए इक्वल्स टू ए टू द पावर एन माइनस वन, ए टू द पावर एन माइनस वन इनटू एडजॉइंट ए होगा? यस सर, यस सर। ऐसा अपन याद रखेंगे adjoint k a equals to k to the power n minus 1 into adjoint a, चलेगा? ठीक है ना, आगे बढ़े? यस सर, यस सर। हां चलिए इसको अप्रूव कीजिए, तो फटाफट खुद से करना है सबको। सोचो क्वेश्चन की तरह लो इसको, ये क्वेश्चन है अपने को इसका वैल्यू फाइंड करना है इसके टर्म्स में, फटाफट। वही सेम प्रॉपर्टी, यस सर, एंड आ गया, यस सर। यस सर आ गया, आ गया सर, डन, यस सर। अब सोचो इसमें क्या करें बताओ सर, ए को रिप्लेस कर देंगे एडजॉइंट ऑफ ए से, यस सर, ए को रिप्लेस कर दे एडजॉइंट ए से, ठीक है कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ए को रिप्लेस कर दिया आपने, लिख दिया एडजॉइंट ए, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ऐसा। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ऐसा इनटू आई एन। ये अपन डिटरमिनेंट फाइंड कर चुके हैं क्या एडजॉइंट ए का? यस सर, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एन माइनस वन। इसका वैल्यू बताओ किसके इक्वल आया था? Determinant of a की बार n माइनस वन। इसने बोला determinant of a to the power n minus one के equal आया था, नहीं? ऐसा? यही आया था ना? Yes sir। Yes sir। बस अब। अब सोचो अब a से multiply कर दें। इस यहाँ पे ये मामला फंस रहा है। इसको हटाने के लिए क्या चाहिए? A चाहिए? A से multiply कर देते हैं। ठीक है, तो a से अपन multiply कर देते हैं both का। तो a इनटू आ गया ये एडजॉइंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a, और यहाँ पे भी a से मल्टीप्लाई कर दो तो a आ गया यहाँ पे। अब सोचो इसका वैल्यू किसके इक्वल? डिटरमिनेंट ऑफ सर, आपकी आवाज लग रहा है दो बार आ रही है दो सोर्सेस से, क्या हुआ? हेलो सर, सही आ रही, कुछ नहीं, सही आ रही है, सही आ रही है। चलो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a into in लिख सकते हैं, ऐसा। अब सोचो इसको गायब करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसके पावर में माइनस टू हो जाएगा, यस सर, ऐसा कह सकते हैं, या फिर डिवाइड कर दो ऐसा सोचो। तो यहाँ से आप बताओ, अब तो प्रूफ हो गया ना एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a equals to, ये क्या आ गया determinant of a to the power n minus 2 into a, clear है सबको? सर वो second step में जो adjoint of a का हमने determinant लिया वो वाला बता दीजिए। ये वाला? नहीं सर, RHS में। RHS में देखो, इसमें अपन ना a को replace कर दिए हैं, जहाँ पे a था ना a को replace कर दिए हैं, किससे? a को replace कर दिए अपन adjoint a से replace कर दिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एडजॉइंट ए, यहाँ पे ए था तो ए के प्लेस पे एडजॉइंट ए, इसके प्लेस पे क्या आ गया एडजॉइंट ए, और डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या आया था, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन, ऐसा लिख दिए। फिर अपन ने क्या किया, यहाँ से ए से मल्टीप्लाई किया है, समझ में आया क्या बताओ? कहाँ देख सकते? यस सर, हो गया? यस सर, समझ में आ गया। आ गया, तो ये अपने को याद रखना है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन इनटू डिटरमिनेंट ए, ठीक है ना, चलेगा, आगे बढ़े। यस सर, अगर सोचो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा तो क्या करोगे? अभी आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, एडजॉइंट ऑफ, यस सर, पिछले वाले का डिटरमिनेंट, यस सर,
ये क्या आया था बताओ फटाफट n minus 2 into a n minus 2 into a ऐसा आया था. अगर बोथ साइड अपन डिटरमिनेंट यूज करेंगे तो क्या होगा, इधर भी डिटरमिनेंट इधर भी n minus 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा. ये वाला क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा. इसके जगह पे सोचो k लिखा हुआ है, k की पावर 2 आ जाएगा. हां क्या k टू द पावर n आ जाएगा क्या, इसको आपने सोचो ये क्या है, k है, k कांस्टेंट, ये आप सोचो k है. तो सोचो बाहर अगर लिखेंगे तो क्या ये k टू द पावर n होगा क्या, n टू डिटरमिनेंट ऑफ a, ऐसा ही होगा क्या. यस सर. Yes. तो जब k के प्लेस पे है क्या भाई, तो k के प्लेस पे है डिटरमिनेंट ऑफ a और इसके पावर में n करेंगे तो क्या ये n into n minus 2 हो जाएगा into डिटरमिनेंट ऑफ a, ऐसा बोल सकते हैं. यस सर. अब देखो तो डिटरमिनेंट ऑफ a के पावर में क्या आ गया यार, क्या ये n स्क्वायर माइनस n माइनस n का होल बनाया. यस. तो आप क्या बोल सकते हो, क्या ये डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर आया. आ गया. अब अपन यहां से ना इसको जनरलाइज करेंगे, चीजों को याद कैसे रखेंगे ध्यान देना. चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. सबसे पहले बताओ मुझे तुम एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट आपने क्या बताया था, a रे मोर डिटरमिनेंट ऑफ a रे माइनस 1. एडजॉइंट a इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू आपने क्या बताया, n माइनस 1 का होल स्क्वायर. 1 होल स्क्वायर. अगर सोचो मैं बोलूं एडजॉइंट क्यूब क्या हो जाएगा, इसके पावर में n माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा. यस सर. अब समझ में आ गया, आगे वाला भी क्या बोल सकते हैं, n माइनस 1 टू द पावर 4 बोल सकते हैं. यस सर. यस सर. ये अपन याद रखेंगे. क्लियर सबको. यस सर. ठीक है. अब ये वाला क्वेश्चन फटाफट करके दिखाइए. तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4. लेफ्ट साइड क्या लिखोगे यार, डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 की पावर 4. n माइनस 1 टू द पावर 4 नहीं चलेगा. और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 इनटू 3 टू मतलब होल टू द पावर 16 ऐसा. यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, n तो अपना ऑर्डर है ना, यहाँ पर वो मैट्रिक्स में x y माइनस z लिखा है. क्या बोले, तो वो माइनस z है सर. 91 आ रहा है मेरा, माइनस z है. ठीक है सर. ठीक सर, 91 आ रहा है मेरा सर. 11c2 सर. 36 सर. 9c2 आ रहा है मेरा. कौन 9c2 आ रहा है, देख लेते हैं. यहां बताओ n अपना क्या है, n का वैल्यू 3 है ना, 3 ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3 है, तो n का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा. तो लेफ्ट हैंड साइड देखो तो क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर क्या होगा, क्या 2 टू द पावर 4 कितना, 16 होगा. आया आया, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू कितना आया भाई, 12 आया. यस सर. चलेगा. अब देखो तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, x x plus y plus z आ रहा है. x plus y plus z equals to 12 आ रहा है. इसका आपको सॉल्यूशन पूछा है ना, नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स a, यानी कि x y और z का कितना डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आप बता सकते हो. अब इसमें देखो तो क्या है लिमिटेशन, ये सब क्या है, x y और z क्या आपका नेचुरल नंबर है, यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 वाला है क्या. यस सर. यस सर. x plus y plus z equals to 12. इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है.
11 C2 माइनस 1 CR माइनस 1 नहीं देखा था सर बस इसका आंसर बता रहा हूं नहीं आंसर ये बच्चा बता रहा है एक फार्मूला याद रखा है जो इसका सॉल्यूशन होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन n माइनस 1 CR माइनस 1 होता है नहीं यस yes. तो 12 माइनस 1 3 माइनस 1 तो 11 C2 बहुत सारा बच्चा सोच रहा होगा चल क्या रहा है कोई बात नहीं अभी देख लेते हैं कैसे आएगा ये सिंपल सा है कुछ नहीं है अब सोचो आप 3% में ना अपने को ना क्वांट बांटना है ठीक है ना सोचो एक एक का सिक्का है आपके पास 12 ठीक है बहुत आराम से सोचना है कुछ नहीं है इसमें अपने पास 3% है उसको क्या देना है 11 था या 12 था 12 था 12 क्वाइन डिस्ट्रीब्यूट करना है ऐसा नहीं जो आप अपने पॉकेट में रख ले रहे हो एक एक क्वाइन दे दिए बाकी सब रख लिए पॉकेट में नहीं बिल्कुल नहीं सब बांटना है एटलीस्ट 1 क्वाइन तो सबको मिलना ही चाहिए ऐसा वाला है चलेगा सिचुएशन समझ में आया क्या है हमने बोला 3% है इसमें अपने को टोटल 12 क्वाइन बांटना है ठीक है ना हर एक को एटलीस्ट 1 क्वाइन तो मिलना ही चाहिए क्या क्या हो सकता है एक को 1 मिला दूसरे को 1 मिला तीसरे को कितना मिलेगा 10 मिलेगा ऐसा हो सकता है एक को आपने 5 दे दिया दूसरे को 5 दे दिया तीसरे को क्या दे दोगे 2 दोगे यही ऐसा ही होगा ना यस सर ऐसा होगा अब अपन क्या करते हैं इसको समझने के लिए जब भी इस टाइम का आए ना तो क्वाइन को ना सोचो अपन ना सजा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वाइन को सजा दिए अब इनमें से ना अपने को ना गैप कितना दिख रहा है कितना गैप बन रहा है देखो तो गैप बता दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गैप बन रहा है यस सर 11 गैप बन रहा है अब हमने क्या बोला ना पार्टीशन मेथड मतलब एक स्टिक लाते हैं एक स्टिक जो है वो कितने रीजन में डिवाइड करता है देखो तो अगर एक स्टिक बीच में दो में करता है दो में डिवाइड करता है अगर दो स्टिक ले आए तो कितने रीजन में डिवाइड किया तीन अपने पास पर्सन कितना है तीन है थ्री इसके इस स्टिक के लेफ्ट हैंड साइड पे जो आया उसको राम को दे दिए और इसके बीच में जो आया वो श्याम को दे दिए और इसके लास्ट वाले में जो आया इसके इधर वाला वो घनश्याम को दे दिए समझे तो अब सोचो यार ऐसा कह सकते हैं इस क्वाइन के साथ ये जो क्वाइन है जितना भी गैप है कितना गैप है इससे बेटर है कि एक को दे दे पहले सर एक एक सबको एक एक दे दे सबको एक एक दे दे फिर 9C3 बन जाएगा उसके बाद 9 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको ना अपन दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं लेकिन ये बता देते हैं पहले ये सिंपल है ये भी सिंपल ठीक है ना बस स्टार्ट है ना तो थोड़ा सा लगता है जो चलो टफ है लेकिन है नहीं हमने क्या किया क्वाइन को सजा दिया अब इनमें से अपने पास टोटल 11 गैप है तो 11 गैप में से क्या अपने को दो गैप सेलेक्ट करना है दो स्टिक डालने के लिए यस सर यस सर दो स्टिक डालेंगे मान लीजिए चलो एक स्टिक आपने यहां पे रख दिया एक स्टिक आपने यहां पे रख दिया यहां पे एक स्टिक आपने इंसर्ट कर दिया एक स्टिक यहां पे इंसर्ट कर दिया ठीक है तो सोचो फर्स्ट पर्सन को कितना मिला 4 मिला सेकंड को कितना मिला 4 मिला थर्ड को कितना मिला 4 मिला इक्वल इक्वल मिल गया तो ऐसा कितना गैप है अपने पास 11 गैप है 11 गैप में से कोई सा भी 2 गैप सेलेक्ट कर लेते हैं समझे यस सर क्या उतना ही सॉल्यूशन होगा क्या 11 में से कोई सा भी 2 गैप सेलेक्ट कर लो 2 गैप को सेलेक्ट करना ठीक है ना क्योंकि 2 गैप सेलेक्ट करने का मतलब दो स्टिक डालेंगे हाँ तो वो तीन रीजन में डिवाइड किया 1 2 3 ओके समझ में आया यस सर हाँ तो यहाँ से क्या आ गया 11C2 आया तो सोचो टोटल 12 था तो एक तरह से आपने क्या लिखा 12 माइनस 1 C3 माइनस 1 लिखा तो यहीं से आता है n-1 CR-1 जितनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है उसमें से एक माइनस कर दो जितना है आपके पास उतने से एक माइनस कर दो समझे और दूसरे तरीके से क्या सोच सकते थे अपन सबको एक एक दे दे सबको एक एक दे डिस्ट्रीब्यूट कर दे सबको एक एक दे दो मतलब तीन में अपने को बांटना है यहाँ पे तीन में बांटना है सबको एक एक दे दो पहले एक एक दे दिए
तो अब अपने पास कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9. अब 9 के लिए कंडीशन क्या लगा देंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसा. यस सर. यस सर. अब क्या करेंगे इसके आगे, वही दो स्पिक्स 9 में रेंज n + n - 1 सी n + 1 n - 1 आया ना, ये आया ना, तो समझाओगे तो क्या समझाओगे ना. सर जो 9 बचे उनको 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लें. तो जो 9 कॉइंस बचे उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो दो स्टिक में फिर लगाएंगे. हां, इस बार क्या होगा सर, किसी को भी 0 मिल सकता है, तो किसी को इस बार लास्ट से दो वापस ले लेंगे. कहां से आता है फार्मूला पता है, वो भी आता है कैसे, वो टी के पास. ये जो फार्मूला जैसे ये बनाए ना आप पार्टीशन मेथड से, ऐसे ही वो भी आएगा. सोचो अगर तुमने ध्यान देना, थोड़ा बातें कर लेते क्या जा रहा है. सबको क्या किया, 3 यानी कि x था, y था और z था, टोटल अपने को 12 बांटना था. लिमिटेशन क्या था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. सबको अगर एक एक दे दिए तो अब क्या बचा, x को रिप्लेस कर दो x डैश, यानी कि एक दे दिए इसको, इसको बोल दिया हमने y डैश और इसको बोल दिया z डैश. क्या कितना कॉइन बचा, 9 बचेगा. यस सर, 9 बचेगा. इस बार अब कंडीशन क्या हो गया, अब 9 कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 9 कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसमें से हो सकता है किसी को 0 भी मिल जाए, तो पहले से तो एक है ना उसके पास. यस सर, टीम को पहले पहले क्या किए, एक एक कॉइन दे दिए, तो सबके पास एटलीस्ट 1 कॉइन तो होगा ना, बताओ. यस, ऐसा होगा. अब 9 कॉइन जो तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मान के चलो तुम्हारा मन क्या होगा, जो 9 कॉइन ना अपन इसी को दे देते हैं, 9 पॉइंट किसी को देते हैं, तो सोचो पहले से तो इन सब के पास तो एक एक पॉइंट था ना यार. यस सर. हां, तो अब सोचो इस वाले केस में अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो ये केस कैसे आता है, मतलब इसका फार्मूला कैसे आता है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये कैसे. सर हम इसे टी की पावर से भी कर सकते हैं, इससे पावर्स वाले जो रूट्स होते हैं कि सर इसमें 1 + t + t² अप टू मल्टीनोमियल सेटल कर लें. Yes, sir. लेकिन इजी क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो. अब सोचो अपने को क्या करना है, 9 पॉइंट इन तीनों में बांटना है, किसी को 0 भी मिल सकता है, तो ऐसा करते हैं यार, इस 9 पॉइंट को लिख लेते हैं अपन 1 2 3 4, ऐसा. ठीक है, ऐसा कर दिया हमने. अब सोचो दो स्टिक जो है कितने रीजन में डिवाइड करता है, 3 रीजन. इस बार क्या करेंगे ना, इस स्टिक के साथ ना इसका परमुटेशन करा देंगे. क्यों क्यों करा रहे हैं ऐसा, अब सोचो यार स्टिक क्या हुआ ना, दोनों स्टिक ना यहीं पे आ गया, एक स्टिक पहले एक स्टिक यहाँ आया, एक स्टिक यहाँ आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आप x को दे दिए, ये वाला आपने y को दे दिया और ये वाला आपने z को दे दिया, इसका मतलब ये हुआ, समझे आप. यस. अब सोचो दोनों स्टिक अगर एक साथ आ जाएगा तो क्या होगा, अगर दोनों स्टिक एक साथ आ गए तो क्या होगा, को कुछ भी नहीं मिला, पाई को 0 मिला है, बीच वाले को 0 मिल जाएगा. यस सर, विद 0 तो इसमें चलेगा ना, 0 तो इसका फेवरेबल पार्ट है. हां चलेगा. यस चलेगा. तो एक तरह से कह सकते हैं जो ये दो स्टिक और ये जो अपने पास 9 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, इसका अपन परमुटेशन करा देते हैं, ऐसा करा देते हैं, तो देखो तो क्या आएगा, अगर इसका परमुटेशन कराओगे, 9 ऑब्जेक्ट है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट और टू स्टिक है, तो क्या होगा, 9 प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन आइडेंटिकल से डिवाइड करते हो. यस सर. तो देखो तो ऊपर में क्या आ गया, 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 c2 है, 9 2, तो क्या यहां से भी 11 c2 आया, बोलो भाई. यस सर. 9 प्लस 2 क्यों करा, क्योंकि टोटल थिंग्स आपके पास कितना है, 9 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, 9 ही बचा ना, तो 11 कितना हो गया, 9 + 2 11 हुआ ना,
क्यों है, क्यों हुआ? नहीं समझ में आ रहा, तो ये वाला नहीं समझ आया। नहीं समझ आया, पहले देखो स्टिक से आप क्या कर रहे हो, रीजन में डिफाइन कर रहे हो। इसके राइट साइड वाले आप दे रहे हो जेड को, बीच वाला दे रहे हो वाई को, और इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले दे रहे हो आप एक्स को दे रहे हो, ऐसा कर रहे हो। इस वाले में तो जीरो भी अलाउड है ना, तो सोचो yes. अगर दोनों स्टिक एक साथ आया तो क्या बीच वाले को जीरो मिलेगा? yes. अगर दोनों स्टिक यहाँ पे आ गया तो क्या होगा, एक्स को जीरो, वाई को जीरो, जेड को सारा सब कुछ। yes. ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं इस स्टिक और इन नाइन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का अपन परमुटेशन करा रहे हैं। जितना डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट पॉसिबल होगा उतने तरीके से क्या अपन डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे? yes, sir. कर पाएंगे। तो वही किया हमने, जो ये नाइन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट और टू आइडेंटिकल स्टिक है इसका परमुटेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट देखो तो कितना हो गया, 9 + 2 = 11 हुआ। yes, sir. और मैं 11 फैक्टोरियल अपॉन 9 आइडेंटिकल है तो 9 से डिवाइड कर दिए, और 2 आइडेंटिकल है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिए, तो यहां से क्या आ गया, ये 11c2 आया। हां सर, समझ गए, समझ गए। तो 9 कॉइंस हो गए और सर 2 और क्रिएट किए ना, क्या चीज सर? 9 तो कॉइंस है और बाकी 2 स्पेसेस तो आपने लिए। ठीक है, ठीक है, आइडेंटिकल स्टिक। ओके सर। अब देखो फार्मूला याद क्या रख सकते हो आप, देखो ये नया क्वेश्चन है ना, सर एक एडजॉइन का जो एडजॉइनिंग का मतलब वो शुरुआत में एडजॉइन का आपने कॉन्सेप्ट किया था, एक बार वो एक्सप्लेन कर दीजिए फिर से। एडजॉइन वाला? यस सर, थोड़ा दिक्कत हो रही है उसमें मुझे। ओके चलो एक चीज बता दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एन होगा अगर सब पर कंडीशन देगा जो 1 1 मिलना चाहिए, तो इसके लिए क्या बोलोगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? n minus 1 cr minus 1। अगर ये r होगा तो r minus 1, यहाँ पे 3 है तो क्या हो जाएगा n minus 1 c3 minus 1। अगर सोचो ऐसा रहा x1 plus x2 plus x3 to xn है, ठीक है ना, और अपन बांट रहे हैं कितनों को, m बांट रहे हैं, ठीक है ना, और सब में कंडीशन क्या है, greater than equals to 0, 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 तो क्या होगा? पहले 3 के लिए बता दो, उसके बाद बताना है। m plus n minus 1 cr minus 1 plus y plus z equals to, यहाँ पे n है, greater than equals to 0, greater than equals to 0, greater than equals to 0, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता दो, n plus 3 minus 1 c 3 minus 1 ऐसा होगा। yes sir। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कैसे निकाले, तो देखो अभी जो तुमने फॉर्मूला ये लिखा था ना, देखो 9 को बांट रहे थे ना, आया कितना 11 आया ना, 11c2 आया, तो क्या इसको 9 plus 3 minus 1 लिख सकते थे, c3 minus 1 लिख सकते थे, ऐसा इसी से रिलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, ये m plus n minus 1 cn minus 1 याद रहेगा फॉर्मूला, ये यू जाएगा, इसलिए बता रहा था मैं, ठीक है ना। yes, sir. चलेगा, आप क्या पूछ रहे थे तुम बताओ सर, वही जो एडजॉइनिंग वो एडजॉइन वाली मैट्रिक्स में रिड्यूस कर जाता शुरुआत में, जो 4 एडजॉइन वाले थे, 4 ये वाला। यस सर, तुरंत मैं तुरंत नहीं कर पाया था इसको। देखो अगर 2 एडजॉइन था उसका एक एडजॉइन का डिटरमिनेंट क्या लिखे थे आप, एडजॉइन उसे डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1 लिखे थे। यस सर। n माइनस 1 अगर 2 आया तो क्या लिखे, n minus 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, yes, sir, n minus 1 का होल क्यूब। यस सर, समझ गया। 4 आएगा तो n minus 1 का। यस सर, थैंक यू। ऐसा करेंगे आगे खत्म। यस सर, वो मिस हो गया था थोड़ा। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। 0 आ रहा है, सर b आ रहा है, सर b आ रहा है, 11 b आ रहा है, 11। ओके, इसके वाला p आपका क्या है, p इज एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स A, ठीक है, A का वैल्यू दिया हुआ है, तो P अपना क्या है भाई, P equals to adjoint of A है ना, यही बोला है ना। yes, sir. और P अपने को गिवन है, तो दो बोथ साइड अपन डिटरमिनेंट निकाल लगा दे तो क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A ऐसा लिख सकते हैं, इसको क्या बोलोगे, 3 minus 1 होगा, 3 और 1 का है,
डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बोल सकते हो आप, ऐसा होगा? यस सर। अब सोचो इसका वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। तो डिटरमिनेंट ऑफ पी इक्वल्स टू 16, डिटरमिनेंट फाइंड कर लो इसका क्या आ रहा है, जो भी आएगा वहां से अल्फा इक्वल्स टू क्या, अल्फा इक्वल टू 11 आ रहा है, 2 अल्फा माइनस है और ये 2 अल्फा माइनस 1 आ रहा है, नहीं ऐसा आ रहा है, माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 तो 2 अल्फा माइनस चलेगा जी, सिंपल है क्वेश्चन, ऐसा नहीं बहुत टफ पढ़ा रहा हूं मैं, ऐसा है क्या, बोलो अच्छा आप बोल सकते हो, ऐसे मुझे पता नहीं चलेगा ना, चलो आगे बढ़े। यस सर, समझ में नहीं आया पूछना, चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो तो सबका सही होना चाहिए। एक आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख रहा होगा, नहीं उसका डिटरमिनेंट अगर ऑड ऑर्डर का होता है तो क्या होता है इसकी डिटरमिनेंट का वैल्यू, 0 सर, 4 आ रहा है आंसर, 4 आ रहा है आंसर, 4 आ रहा है, किसका 4 आ रहा है, यस सर मेरा, अंशिका सही आंसर, चलो इसका बताओ तो डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या हो गया, चलो अभी करा नहीं, कर रहा हूँ, करने वाला है ही नहीं, देख के बताने वाला है, देखो और बताओ, अरे स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स निकला, यस सर स्क्यू 0 आ रहा है इसका, सर इसका 0 आ रहा है, डबल डायरेक्ट अपन बोलेंगे ना, ऑड ऑर्डर का है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होता है, 0 यस सर 0 होता है। अब बताओ यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए इसका अगर डिटरमिनेंट फाइंड करो तो क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 होता है, यस सर ऐसा, तो इसका वैल्यू अपने को दिया हुआ है तो क्या यहाँ से तुम बोलोगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी टू द पावर एन माइनस वन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6, यस सर, बी का वैल्यू तो भाई पहले से 0 है, चलेगा, अब ऑर्डर देखो इसका 3 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 माइनस स्क्वायर हो जाएगा मॉड जेड स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये 10 टू द पावर 6 होगा, यस सर ऐसा होगा, चलेगा, अब सोचो तो और क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू बताओ तो कितना आ रहा है, 1000 2k प्लस 1 का क्यूब, 2k प्लस 1 क्यूब इक्वल्स टू 10 क्यूब आ रहा है, तो क्या यहां से आप बोलोगे सर बट अगर हम लोग रूट लेंगे तो प्लस माइनस नहीं आएगा, प्लस माइनस कैसे आएगा, क्यूब क्यूब है ना, नहीं सर रूट लिए थे ना हम लोग उसके ऊपर वाले स्टेप में, सर ये वाले सर डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर वाले स्टेप में, इसमें हाँ सर, इसको और इसको अपन कट किए हैं ना, अरे सर कट किए हैं, हाँ सर ठीक है ठीक, तो अब सोचो तो क्या यहाँ से k का वैल्यू क्या बोलोगे आप, 9 by 2 क्या ये 4.5 आएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.5 क्या आएगा भाई, 4 और ये आपका आंसर होगा, ये सही है, 2 के प्लस 1 का होल क्यूब कैसे आ गया ये, चलो मैं इसे बता देता हूं, सही माइनस 6 क्यों नहीं हो रहा, मेरे से एक माइनस 6 भी आ रहा था, क्या चीज, यस सर इसमें दो, यस सर सो एक माइनस 6 मिलेगा, यस सर वही तो मैं कह रहा हूं, प्लस माइनस 10 की पावर आएगी ना सर उसमें थर्ड स्टेप में, यस सर वहां पे आपने सर उसका एक रूट लीव कर दिया, यस सर
इस स्टेटमेंट में सर एक रूट होगा ना प्लस माइनस 10 तो माइनस 10 सर वही तो कह रहा था मैं हां सर ओके ये बोले डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 है अच्छा प्लस माइनस 10 क्यूब आएगा माइनस 10 क्यूब यस मैं यही कह रहा था हम पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू एक तो आ जाएगा 10 क्यूब एक आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस 10 क्यूब आएगा ठीक है इसका वैल्यू इतना ही आ रहा है ना कोई बच्चा पूछ रहा था कैसे आएगा तो देखो यहाँ पे दोनों सेम दिख रहा है माइनस कर सकते हैं अपन एक आप कर देना कॉलम टू को रिप्लेस कर दो कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री चलेगा तो यहाँ पे ये जीरो बन जाएगा और यहाँ पे वन प्लस टू के बन जाएगा और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा वन प्लस टू के बन जाएगा फिर नेक्स्ट आप क्या करना यस सर हो जाएगा रो टू को रिप्लेस कर देना रो टू माइनस रो थ्री से तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये भी जीरो फिर ओपन कर लेना यही आ जाएगा ठीक है ना यस चलेगा तो यहाँ से बताओ दूसरा के क्या आएगा यहाँ से अगर माइनस होगा माइनस सिक्स आएगा माइनस सिक्स सर हाँ जी बट के तो ऑलरेडी दे रखा है कि वो पॉजिटिव रियल नंबर है हाँ तो अब आगे हटाएंगे ना तो लेकिन सर रूट के तो तभी डिफाइन होगा जब पॉजिटिव हो क्या बोले हां यस सर रूट के तो तभी डिफाइन होगा जब पॉजिटिव हो 4 इन हां 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 -10 यस सर तभी डिफाइन होगा जब के अपना पॉजिटिव होगा यहां देखो तो के क्या आएगा अपना -5.5 आ रहा है क्या ये अगर अपन बात करें रूट के बारे में यानी कि रियल होगा और पहले से ही दे रखा है तो k अपना पॉजिटिव होगा क्यों ऐसा दे रखा है क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ k है तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ना यस सर तो पहले से मेंशन कर रखा है तो k अपना क्या होगा पॉजिटिव होगा यहां से नेगेटिव आ रहा है तो इस वाले सॉल्यूशन को अपन रिजेक्ट कर देंगे ये वाला सही होगा चलेगा यस सर यस सर ये क्वेश्चन सर बहुत टफ क्वेश्चन है क्या नहीं है ना सर नो सर आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए चलिए आगे चलते हैं अब अपन बात करते हैं इनवर्स के बारे में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए सिंपल सा है अच्छे से समझेंगे इसको इसने बोला है डेफिनेशन इसका क्या है तो देखो अगर ए मैट्रिक्स है ठीक है ना अब सोचो उसको किसी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ठीक है ना और मल्टीप्लीकेशन के बाद ना वो क्या आ रहा होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा होगा तो ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे होगा वो क्या कहलाएगा इनवर्स कहलाएगा समझे तो यही है अगर अपन बात कर रहे होंगे यहाँ पे a इंटू बी इक्वल्स टू अगर i होगा ना तो b अपना क्या कहलाएगा b इक्वल्स a इनवर्स आ जाएगा समझे क्लियर है सबको यहाँ से एक प्रॉपर्टी अपन याद रखेंगे तो देखो यार a इंटू a इनवर्स होता है ना ये क्या होता है बताओ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ठीक है ना सर हमने यही लेट किया ना कि मतलब वो इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए उससे इनवर्स हमने दे दिया डेफिनेशन ऐसा बोलता है जो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स वो मैट्रिक्स होगा अगर उसमें अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा लेकिन साथ ही साथ वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए नॉन सिंगुलर होना चाहिए नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 यहां पे नॉन सिंगुलर लिखा हुआ है ना इसका मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 और ऐसा क्यों बोला जाता है अभी जस्ट आपको पता चलेगा तो अभी आपने क्या सीखा a into a inverse equals to i बोलोगे आप yes sir और दूसरा कोई बच्चा बोलेगा a inverse of a अगर ऐसा होगा तो क्या ये भी i होगा yes sir yes sir होगा तो अब जो हम याद करने वाले हैं वो क्या याद करने वाले हैं तो a into a inverse equals to a inverse into a equals to i ये आप याद करें सारा तेल अभी इसी पे होगा आगे बढ़े अब सोचो तो यार अगर मुझे इसको एडजॉइंट से रिलेट करना होगा तो क्या करेंगे
ए इनवर्स को अगर एडजॉइंट से रिलेट करना होगा तो क्या करेंगे? आपने पढ़ा था ना ए इंटू वो वाला किंग वाला प्रॉपर्टी, बताओ फटाफट मुझे। डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन ऐसा लिखते थे, यस सर, ये वाला। अभी आपने पीछे पढ़ा है, पीछे कौन सा प्रॉपर्टी आपने पढ़ लिया? तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, ऐसा चलेगा? चलेगा। अब सोचो तो यार ये वाला जो है क्या ये स्केलर क्वांटिटी है? हाँ है। डिटरमिनेंट क्या होता है? हाँ सर स्केलर है, वैल्यू होता है। क्या इससे डिवाइड तो कर सकते हैं ना डिटरमिनेंट? और सर मैट्रिक्स में अपन डिवीजन वाला नहीं बोलते, एप्लीकेबल नहीं है, इसको तो डिवाइड कर सकते हैं। यस यस, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से क्या होगा? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू आई एन होगा, यानी कि आई, ऐसा? यस सर। पीछे देखो तो पीछे तुमने क्या बोला था? सर ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दे। ये वाला जो चीज होगा क्या ये इनवर्स कहलाएगा? यस सर, क्योंकि a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई होगा, a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई होगा, यानी कि इसका इनवर्स ये वाला होगा क्या? हाँ सर। यस सर। ऐसा होगा। तो क्या यहाँ से अपन बोल सकते हैं जो a इनवर्स इक्वल्स टू क्या आ गया भाई? तो एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, क्या ये अपन याद रखेंगे? बोलिए। अब सुनो yes. यार इनवर्स कब डिफाइन होगा? क्या जब डिटरमिनेंट ऑफ ए अपना नॉट इक्वल्स टू जीरो हो? यस सर। यहाँ से अपन बोलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, साथ में आप मेंशन करोगे। अब तो जो दूसरे तरीके से बोलते हैं सर, अब तो क्या देखो तो पता चल गया है, इसी में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट निकालेंगे। तो दूसरे तरीके से भी आप सोच सकते हो कैसे, क्योंकि आपको ये वाला प्रॉपर्टी पता चल गया। तो ए इंटू adjoint of a equals to, क्या ये determinant of a into i n बोला आपने? अब आप क्या करो ना, pre multiplication कर दो a inverse के साथ। अगर ऐसा करोगे तो इधर क्या आ जाएगा? a inverse into a adjoint of a equals to a inverse, अगर identity matrix से multiply होगा तो a inverse ही कहलाएगा क्या? Yes sir. Yes sir. अब ये बताओ ये किसके equal आया? i के equal, i adjoint of a क्या हो जाएगा? adjoint of a आएगा, बोलो भाई ऐसा होगा? यस सर। यस सर। इनवर्स क्या आ गया? तो adjoint of a upon determinant of a, समझे? यस सर। चलेगा। तो अभी तक इनवर्स में हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ा, a into a inverse equals to i, दूसरा a inverse equals to adjoint of a upon determinant of a, और किस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है भाई? नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, determinant of a not equals to zero, ये हमने पढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर तुम्हें इनवर्स फाइंड करना होगा इसका सेकेंड ऑर्डर वाले का, तो इसका तो यार एडजॉइंट तो फटाफट बता सकते हो इसका एडजॉइंट क्या होगा? Yes, sir. सबसे पहले तो इसका कोफैक्टर अगर आप फाइंड करोगे तो कोफैक्टर क्या आएगा? C equals अगर मैं लिखूं C I J तो बताओ कोफैक्टर क्या आएगा? D minus C plus D C plus minus B C C so minus plus B देखो ये 1 1 1 2 ये क्या हो जाएगा? 2 1 ये माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा, तो इसको हटाएंगे तो क्या यहाँ पे डी लिखोगे? यस सर। इस माइनस डी माइनस डी माइनस बी माइनस सी और ए, इसको हटाएंगे तो क्या होगा? माइनस बी होगा, माइनस डी एंड ए, इसको हटाएंगे ए आएगा। ये तो आ गया इसका कोफैक्टर, ठीक है। अब सोचो अगर अपने को एडजॉइंट निकालना है तो क्या उसका ट्रांसपोज लेंगे? ट्रांसपोज, यस सर। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू बोलेंगे माइनस बी माइनस सी आ जाएगा। ट्रांसपोज, अगर इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा यार? देखो तो क्या ये डी माइनस बी माइनस सी माइनस
माइनस बी और ए होगा देखो तो यस यस सर तो अब जो इसको इसको देखो और इसको देखो अगर डायरेक्ट अपने किसी बच्चे को सोचो याद करवाना हो तो क्या बोलेंगे ये जो डायगोनल वाला है इसको डायगोनल करो डायगोनल वाले को इंटरचेंज करो और साथ ही साथ अगर डायरेक्ट इसको इंटरचेंज कर दे तो यहां पे क्या माइनस से मल्टीप्लाई कर दे यस सर कर देते हैं अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा चलेगा जी यस सर ठीक है अब फटाफट मुझे बताइएगा तो अगर ए अपना यहां पे 1 2 3 4 है इसका आपको एडजॉइंट निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए तो क्या बोलोगे 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 ऐसा होगा यस सर चलेगा अब सोचो इसी का तुम्हें ना इनवर्स निकालना होगा तो ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या बोलोगे एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलोगे यस सर डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा देखो तो माइनस 2 4 माइनस 6 माइनस 2 आएगा क्या अगर माइनस 2 से डिवाइड कर दें तो A इनवर्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एंड सो 1/10 6 by 10 minus 7 by 10 minus minus 2 by 10 2 by 10 and 6, 4 by 10 इन दोनों को इंटरचेंज कर दिए नहीं यस सर यस सर और यहां पे minus 7 minus 2 होगा यस सर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा यही आ रहा है यस सर यही आ रहा है सिंपल है यस चलिए अब तो जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है ना तो डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना बहुत सिंपल है देखो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए आपने क्या क्या सीखा था ध्यान देना अगर डायगोनल एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल है यस सर हां अगर सोचो पी की कोई ऐसा है यहां पे अल्फा 0 0 0 बीटा 0 0 0 गामा चलो इसके बारे में पूरे बात कर लेते हैं अगर a टू द पावर 4 करेंगे तो क्या होगा बताओ तो अल्फा टू द पावर 4 हो गया बीटा की पावर 4 एंड गामा की पावर 4 ऐसा होता है क्या बताओ यस सर यस यस ऐसा होता है अगर एक तो ये प्रॉपर्टी अपन ने को याद रखना है दूसरा अगर इसका इनवर्स अपन फाइंड करेंगे ना ए इनवर्स तो वो क्या आ जाता है पता है 1 अपॉन अल्फा 0 0 0 1 अपॉन बीटा 0 0 0 1 upon gamma ऐसा आता है क्लियर है सबको सिंपल है यस सर यस सर चलेगा अब देखो a into a inverse करोगे तो देखो तो क्या आ रहा है I आ रहा है ठीक है इसका इनवर्स फाइंड करके फटाफट बताओ क्या होगा 1 by 1 1 होगा 0 0 1 by 2 1 by 2 1 by 2 0 0, 0 1 by 3 होगा ये आंसर होगा खत्म क्लियर है सबको यस सर सर मतलब ये कोइंसिडेंटली आ रहा है मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं होगा ना लॉजिक क्या वही अपन देखे होंगे प्रॉपर्टी फिर मतलब बना दिए सर मतलब बस डायगोनल में जब ऐसे एलिमेंट रखे हो बाकी सब जीरो तो ऐसे ही होगा हमेशा हां सिर्फ डायगोनल वाले में ऐसा हो सकता है और किसी में ऐसा नहीं सब में लगा दियो इसका इनवर्स साइन करना और इसमें भी सबको पलट दिए नहीं 1 अपॉन 1 1 अपॉन 2 ऐसा करने नहीं बिल्कुल ये डायगोनल नहीं है ना इसका इनवर्स साइन कर लोगे आप लोग यस सर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसा आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ पी जी फाइंड कर सकते हो इसको हटाओ 2 प्लस 1 कितना आ रहा है 3 आ रहा है चलो मैं डिटरमिनेंट फाइंड कर दिया आप एडजॉइंट कर लेना ठीक है ना चलेगा यस सर यस सर
ये वाला प्रॉपर्टी तो पता है, इसमें बात करने की जरूरत नहीं। अब सोचो यार इस प्रॉपर्टी के हेल्प से ना अपन आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में बताना है, तो क्या बोलोगे? ए इंटू ए इनवर्स जो होता है ये क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ऐसा। अब देखो तो इनवर्स भी तो एक मैट्रिक्स ही है ना, कुछ अलग थोड़े ना मैट्रिक्स ही है। इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ए, ऐसा तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। अब सोचो यहाँ पे अपन ना डिटरमिनेंट लगा देते हैं, इधर भी डिटरमिनेंट और राइट हैंड साइड पे भी डिटरमिनेंट लगा दिया है, तो सोचो क्या लिखोगे इसको? क्या ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या ये 1 आएगा? तो यहाँ सोचो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्या 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा? देखो तो यस सर ऐसा आएगा, चलेगा। अब सोचो पिछला वाला जो क्वेश्चन था कौन सा, ये वाला क्वेश्चन है, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना होता तो क्या करते हैं? उसके बाद यहाँ पे इसने बोला है ए ट्रांसपोज का इनवर्स, देखो ए ट्रांसपोज इनवर्स इक्वल्स टू अपन ए इनवर्स को अंदर ले जा सकते हैं नहीं, उसका ट्रांसपोज ऐसा। दोनों से ट्रांसपोज लेंगे समझ नहीं है। देखो एक तो ये प्रॉपर्टी अपने को याद करना है, पिछले क्लास में भी बताया गया था ना, पिछले क्लास में क्या बताया गया था, अगर ए टू द पावर अगर सोचो एम है, अगर इसका भी मैं बता रहा हूं याद दिला रहा हूं, ट्रांसपोज तो क्या बोल लेते हैं, ए ट्रांसपोज टी और एम को बदल सकते हैं टू द पावर एम। एक बार हमने बोला था देखो यार अगर ए इनवर्स का ट्रांसपोज आएगा इसको अपन बोल सकते हैं ए ट्रांसपोज इनवर्स, ऐसा बोल सकते हैं, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट टू लेफ्ट लेफ्ट टू राइट आ सकते हैं। लेकिन इसका प्रूफ हमने बताया था वहां पे, चलो इसको अभी नहीं बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे, ऐसा बोला था हमने। यस सर। अब चलो इसको हमें प्रूफ करना है, कैसे करें? तो दोनों साइड ट्रांसपोज ले लें। यस सर। पहले ए को ए ट्रांसपोज से रिप्लेस कर दीजिए, ए को ए ट्रांसपोज से रिप्लेस कर दीजिए। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है LHS जो है ये अपना क्या है, A ट्रांसपोज इनवर्स ऐसा लिखा हुआ है। इसको सोचो अपन क्या करते हैं, क्या ऐसा करें जो ये आइडेंटिटी बन जाएगा, A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यानी कि बोथ साइड अगर आप A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये भी आइडेंटिटी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा आइडेंटिटी। यस सर। तो अब सोचो आप क्या याद रखोगे, अगर ए ट्रांसपोज का इनवर्स है तो क्या उसको अपन लिख सकते हैं, ए इनवर्स का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं अपन। यस सर। हां ना बोलो। चलेगा। तो देखो अभी आपने जो एक प्रॉपर्टी पढ़ा था जो अपन बात करेंगे, ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे ना एक साथ इससे रिलेटेड जो भी था उसको भी लिख लेते हैं पहले, ठीक है। अब सोचो सबसे पहले a इंटू बी इंटू c
था, अगर ट्रांसपोज लेते थे तो क्या होता था? क्या सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता था? अगर आप बात करते थे एडजॉइंट ऑफ ए बी सी के, तो क्या लिखते थे? एडजॉइंट ऑफ सी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखते थे? यस सर। ऐसा अगर इनवर्स के बारे में बात करेंगे ना, ए बी सी इनवर्स, तो ये भी क्या रिवर्सिबल होगा, तो क्या लिख सकते हैं? तो सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स, ऐसा। समझे सर? ये प्रॉपर्टी है ना, मतलब याद करनी है। क्या बोले सर? वो जो एबीसी इनवर्स टोटल है वो ऐसा आपने जो लिखा है, तो प्रॉपर्टी है ना? हाँ हाँ, ये प्रॉपर्टी अपने को याद रखना है, प्रूफ करना चाहते तो प्रूफ कर लेंगे। अभी मैं ये बोल रहा हूँ, देखो ये वाला तीनों क्या सिमिलर है, एक साथ अपन याद रख सकते हैं, सेम चीज होता है, रिवर्सिबल वाला है, ऐसा बोलोगे आप? ट्रांसपोज़, एडजॉइंट, इनवर्स, तीनों में क्या सेम चल रहा है? एक साथ अपन याद कर लिए, भूलेंगे नहीं। चलो इसमें भी बताओ, अगर यहाँ पे ए बी इनवर्स है तो अपन लिख सकते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स, अगर इसको प्रूफ करना होगा तो कर सकते थे आप? कैसे करते अगर इसको प्रूव करना होता तो कैसे करते सर? सिंपलीफाई कर लेते जो फार्मूला पर एड जॉइन करते हैं, ए इनवर्स इनटू ए बी इक्वल्स आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बोल देते ऐसा। यस सर, से ए इनवर्स और बी इनवर्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हां, अब ए इनवर्स बी इनवर्स से आप मल्टीप्लाई करते चलते, समझे? इधर क्या हो जाता, इधर ये आइडेंटिटी बन जाता, बस ये बन जाता और बाकी ये आ जाता। अरे हां ना बोलो। Yes, sir. ऐसा आएगा, खत्म। चलो आगे बढ़े, नहीं समझ में आया पिछली स्लाइड लगाइए जरा, एक चीज पूछो मेरे से। हाँ जी, पिछली स्लाइड में जो आपने पहले प्रॉपर्टी की बताई है उसकी, ये बताओ, ये वाला कौन सा? सर यही वाला सर, ये नहीं समझ में आया था। हाँ क्या सर? इसमें कि यहाँ पे ए ट्रांसपोज अगर इनवर्स लेना होना तो अपन बोलेंगे ए इनवर्स ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज अगर ट्रांसपोज ले रहे तो ट्रांसपोज का अंदर ला सकते हो, ऐसा हो सकता है। अगर ट्रांसपोज लिखा हुआ है उसका इनवर्स है तो इनवर्स को अंदर ला सकते हो, ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो वो फैसिलिटी समझ गया लेकिन प्रूफ नहीं समझ पाया हूं, प्रूफ समझ में नहीं आया। अब हमने बोला देखो ए ट्रांसपोज इनवर्स को अपन अगर ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आएगा। यस सर। अब जो बोथ साइड अगर अपन सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी आइडेंटिटी बन जाएगा और इधर भी आइडेंटिटी बन रहा है। बस इसीलिए हमने बोल दिया दोनों आइडेंटिटी। अच्छा ठीक है, समझ गया, ठीक है, चलो इसके बारे में अपन बात करते हैं। ये कैसे प्रूफ करोगे बताओ तो? सबसे पहले तो याद करेंगे इसके सिमिलर, बताओ क्या क्या आपने देखा था? तो जो ए टू द पावर यहाँ पे एन था उसका ट्रांसपोज था, तो तुमने लिखा था ना ए ट्रांसपोज इन टू द पावर एन, याद आया कुछ? यस सर। और इसको आपने प्रूफ कैसे किया था? तो आपने बोला था सर ऐसा सोच लो ना, ए इंटू ए ले लो और ए क्यूब के बारे में अगर बात कर रहे होंगे तो इसका ट्रांसपोज तो क्या होगा भाई? ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऐसा होगा। तो क्या इसको अपन नहीं लिख सकते ए ट्रांसपोज का क्यूब? ऐसे ही प्रूफ किए थे ना? यस सर। तो इसमें भी वही चीज बोल देंगे, समझ में आ गया? यस सर। यस सर, इनवर्स प्रॉपर्टी। तो आप सोचो कभी ऐसा लिखा रहे ए टू द पावर फाइव का इनवर्स, तो क्या बोल सकते हो? ए इनवर्स टू द पावर फाइव, ऐसा नहीं ए टू द पावर माइनस फाइव बोल देंगे, शॉर्टकट मार सकते हैं अपन, नहीं इनवर्स चलेगा यार। सर ए टू द पावर माइनस के क्यों लिखा सर? वो तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं सर, सवाल लिखा है माइनस वन निकाल लेंगे तो ए इनवर्स बन जाएगा, उसकी पावर हो जाएगी ना के, मजेदार बना दिया है। नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा एप्लीकेबल ही नहीं है। यस सर, जादू कर दिया। चलो यहाँ पे अगर बात करते हैं इनवर्स का, इनवर्स क्या होगा? ये आ जाएगा वापस से? यस सर। इसको भी तुम प्रूफ कर सकते हो, सोचो ए इनवर्स को सोचो बी की तरह कुछ है, मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो क्या अपन लिख सकते हैं यहाँ पे ए इनवर्स का इनवर्स है
तो इसको बगल में क्या लिखोगे? A inverse लिखोगे तो ये किसके इक्वल आएगा? I के इक्वल आएगा? Yes sir, multiply by I को replace कर दे। अगर multiply I को मैं replace कर सकता हूँ। हाँ, यहाँ पे multiply by A कर दिए तो right side में क्या आ जाएगा? A आ जाएगा, ये identity बन जाएगा। तो आ गया A inverse का inverse क्या होगा? A होगा। ये याद रखना है। Inverse का inverse क्या आएगा? वापस से वही आ जाएगा। सोचो। जैसे transpose का transpose क्या होता था? चलो इसके बारे में बात करना है, ये आपको प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। कैसे होगा ये? इसी से आएगा। A को रिप्लेस करेंगे K A से, फिर एक से K बाहर निकालेंगे तो 1 by K। क्या लिखेंगे? सर I को रिप्लेस कर दे A इनवर्स से। सर I को रिप्लेस कर दे K को K A से रिप्लेस कर दे। K से रिप्लेस कर दे। इनवर्स को K से मल्टीप्लाई करते तो वो आ जाएगा I के बराबर। हां फिर A इनवर्स से भी मल्टीप्लाई कर दे। K से रिप्लेस कर दो। अगर ऐसा करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा? K A into KA inverse equals to I लिखेंगे अपन। Yes sir। ऐसा। अब सोचो K क्या आपका constant है, इसको divide कर सकते हो आप, तो क्या लिख सकते हो? A into KA inverse equals to I upon K लिख सकते हो। ये आपका constant है यहाँ पे। K belongs to R है। मतलब A inverse भी multiply कर। अब क्या करें? A inverse से अपन multiply कर। यहाँ से भी आ जाएगा A इनवर्स। तो देखो अब राइट हैंड साइड पे ये क्या बन जाएगा? ये देखो तो I बना तो वापस से क्या आएगा? यही आएगा। देखो तो KA इनवर्स इक्वल्स टू क्या? ये A इनवर्स अपॉन K होगा। बताओ। अरे ऐसा लिखोगे ना? यस सर। आज जिसको ना अच्छे से दो चार बार पढ़ना है कम से कम, ठीक है ना, रट लेना है, समझ तो लिए ही हो, अब रट्टा मारना है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला कल पढ़े थे क्या? अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा तो उसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि ट्रांसपोज़ इनवर्स के लिए? यस सर। क्योंकि ऑर्थोगोनल के लिए आपने क्या कंडीशन बोला था? A इनटू A ट्रांसपोज़ इनटू I किसके इक्वल होता था? आइडेंटिटी I के इक्वल होता था। तो अब क्या यहाँ पे अपन A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं? Yes, sir. A transpose यहाँ पे क्या आ जाएगा? A inverse into I. तो ये क्या बन जाएगा? I. तो क्या आ गया? A transpose equals to A inverse आया। Orthogonal matrix होगा तो ऐसा होगा। समझे? Yes, sir. Sir, inverse वाला सारा आपका portion से normal algebra जैसे नहीं चल रहा है? क्या चीज? ये इस inverse वाला जितना माइनस वन वाला ये इनवर्स वाला जो पोर्शन है वो पूरा नॉर्मल अलजेब्रा जैसे चल रहा है ना? नॉर्मल जैसे अगर किसको नंबर मान ले कोई तो कोई फर्क नहीं है इनवर्स में और उसमें? इनवर्स में नंबर मान ले ऐसा बोल रहे हैं इनवर्स को? तो प्रॉपर्टीज में से कोई फर्क ही नहीं हो रहा है, वो जो चल रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑपरेशन वैसे ही चल रहे हैं। अच्छा चल रहा है, याद कर सकते हो जैसे ये वाला तुम बोल रहे हो गलत तरीका होगा लेकिन याद रख सकते हो ऐसा कह सकते, ठीक है ना? चलेगा। यानी कि ये कुछ ऐसा लिखा रहेगा, अगर 5 into a inverse तो क्या लिख सकते हैं? A inverse by 5. 1/5 A inverse लिख सकते हैं क्या? ऐसा बोल सकते हैं? चलेगा जी? चलेगा। याद रखने के लिए तुम कह सकते हो। चलो ये वाला आपको प्रूफ करना है।
adjoint A inverse equals to adjoint of A inverse equals to A upon determinant of A. A into adjoint of A क्या होता है? Determinant of A into I n होता है, नहीं? ऐसा ये वाला प्रॉपर्टी यूज करें या फिर इसका प्रूफ हो गया। इससे अच्छा तो मुझे लगता है ये वाला प्रॉपर्टी होगा। कौन सा वाला पता है? उससे जानकारी इजी हो जाएगा। जैसे a into a inverse equals to आप क्या बोलते हो? I बोलते हो? Yes sir। तो a को replace कर दो किससे? Adjoint of a। Adjoint of a से replace कर दो। फिर आंस देखो क्या आ जाएगा? क्या adjoint of a inverse equals to क्या हो जाएगा भाई? तो I हो जाएगा। अब सोचो adjoint of a को आप क्या लिखते हो? A से मल्टीप्लाई करते बोथ साइड A से कर देते बोथ साइड A से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे भी A आ गया और यहाँ पे भी A आ गया। ऐसा अब सोचो इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा? डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू I। डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू I। डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू I। तो I से तो ये मल्टीप्लाई हो गया, यही आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स ठीक है। अब सोचो यहाँ से क्या अपन बोल सकते हैं? जो एडजॉइंट of A inverse equals to A upon determinant of A चलेगा नहीं? ऐसा बोल सकते हैं? Clear है सबको? चलेगा? Yes sir। ये भी property अपने को याद रखना है। यहाँ पे लिखा है adjoint of A inverse, ये वाला इसके help से होगा। A inverse से multiply कर दे। A इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं? अगर इसको प्रूफ करना होगा तो क्या करेंगे? क्या A into adjoint of A जो होता है, क्या ये determinant of A into I n होता है? Yes sir। ऐसा होता है। इसमें A को किससे रिप्लेस कर दें अपन? इनवर्स से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? A इनवर्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Adjoint of A इनवर्स equals to determinant of A inverse। Determinant of A inverse क्या होता है यार? 1 upon determinant of A। हाँ, 1 upon determinant of A होता है। चलेगा। तो ये आ गया 1 upon determinant of A into I n। अब क्या करना चाहिए? A से multiply करना चाहिए क्या? Yes sir। हाँ, अगर A से multiply करेंगे तो इधर identity आ जाएगा, उधर A आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा। चलेगा? Yes sir। तो यहाँ से आ गया आपके पास A into A inverse। बहुत टफ लग रहा है क्या? नो सर। एक दो बार तो पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है जो बस एक बार पढ़ लिए हो जाएगा। नहीं, एक दो बार आपको पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए थोड़ा टफ लग सकता है, वैसे टफ है नहीं। क्लियर सबको? चलेगा आगे बढ़ते हैं। सर जी, सर 8 बजे भी क्लास एक और बिलीव कर दीजिए। यस सर। हां सर, फिजिक्स को क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। ये वाला क्वेश्चन करो तो फटाफट, दो तीन क्वेश्चन तुम सही कर लोगे तुम सब तो छोड़ देंगे। इसका आंसर आ जाना चाहिए अब तक। B into B transpose A dash है ना? हां A ट्रांसपोज है ना वो? यहाँ पे हाँ, A ट्रांसपोज है। Yes, आपके पास A ट्रांसपोज सर। D A ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? D आ रहा है। प्रेरक और किसी का? Yes sir। रोहन। Yes sir। आ गया D। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। अपने को यहाँ पे क्या चाहिए? B into B transpose चाहिए ना? तो सोचो B equals to क्या given है आपके पास? A inverse into A transpose है। तो अगर B into B transpose चाहिए तो इधर लिख लें B into B transpose ऐसा।
तो इधर क्या आ जाएगा भाई, तो ए इनवर्स इनटू ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज होगा क्या, ऐसा बोलोगे? चलेगा? यस सर, चलेगा। अब सोचो तो बी ट्रांसपोज अगर अपने को फाइंड करना होगा तो क्या करें, बी ट्रांसपोज यानी कि इसमें ट्रांसपोज ले सकते हैं क्या? यस सर। इस पे ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, बी ट्रांसपोज यहां से ए इनटू ए इनवर्स इनटू ए ट्रांसपोज इनवर्स, और ए ट्रांसपोज इनवर्स हो सकता है क्या? यस सर। रख देते हैं यहां पे, तो ए इनवर्स इनटू ए ट्रांसपोज और यहां से आ गया ए इनटू ए ट्रांसपोज इनवर्स, ऐसा ठीक है, चलेगा। अब सोचो तो ए इनटू ए ट्रांसपोज इसको बदल इसमें, यस सर। देखो तो इसको, यस सर, रख लेते हैं। तो ये आ गया ए इनवर्स इनटू ए ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज इनवर्स। अब देखो यहाँ पे दिख रहा होगा ये आई बन जाएगा और ये भी आई बन जाएगा क्या? यस सर। तो क्या आ जाएगा, आई आएगा दीवार से, क्लियर सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो तो आपको इसपे 5-6 DPP मिलेगा, सबको करना है कब, नेक्स्ट सैटरडे से, सैटरडे संडे, हाँ दो दिन का, सैटरडे को अपन यही करेंगे, इस पे अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। संडे को अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, संडे को स्टार्ट करेंगे कौन सा, वेक्टर एंड 3D, ठीक है ना? वेक्टर तो कोनिक नहीं कराएंगे क्या इसके बाद? कोनिक कराएंगे, लास्ट कराएंगे, वेक्टर एंड 3D हो जाएगा ना तब कोनिक कराएंगे। प्रोबेबिलिटी के साथ पीएनसी होगा ना सर? हाँ, प्रोबेबिलिटी के साथ पीएनसी करेंगे, पहले पीएनसी करेंगे फिर प्रोबेबिलिटी करेंगे। इस पे जो डीपीपी मिलेगा 4-5 वो सबको सॉल्व करना है, उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है ना? नेक्स्ट डे पहले आपको डीपीपी मिलेगा, खुद से ट्राई करना है, नहीं सॉल्व होगा सर M A equals to क्या दिया है? Sorry, M N equals to N M अपने को given है, non singular बता दिया है, skew symmetry matrix बताया है, तो यानी कि इसका transpose लोगे तो क्या minus के equal होगा, skew symmetry होगा, तो M transpose equals to क्या होगा, minus M होगा, और N transpose क्या होगा, minus N होगा, क्यों होगा भाई? क्योंकि दे रखा है ये क्या है, skew symmetry, ऐसा given है अपने को, ठीक है, चलेगा। इसके बारे में अपने को बताना है किसके इक्वल होगा, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं m into n, n into n, और अगर इनवर्स लिख दो तो क्या इसको लिख सकते हैं अपन n इनवर्स into m ट्रांसपोज इनवर्स लिख लो, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, और इसको क्या अपन लिख सकते हैं n इनवर्स ट्रांसपोज into m transpose, चलेगा जी? Yes sir। अब देखो तो इन दोनों को गायब कर दें, गायब। अब सोचो m n equals to क्या n m बोल सकते हो तुम, पलट लेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा, m m पास में पहुंच जाएगा, नहीं? Yes sir। तो m और यहाँ पे n ले आते हैं और इसको m कर देते हैं, ये तो बीच वाला गायब, तो यहाँ से आ गया m transpose inverse और यहां से ये आपका है n ट्रांसपोज
इनवर्स एम ट्रांसपोज कर लेते हैं। अब सोचो तो यार ट्रांसपोज वाला जो काम है क्या ये माइनस लिख सकते हैं इसको? यस सर। तो ये आ गया एम एन एम, इसको माइनस एम इनवर्स बोल सकते हैं, इनटू माइनस एन इनवर्स बोल सकते हैं, इनटू एम ट्रांसपोज आ जाएगा ऐसा। अब सोचो तो ये कितने थ्री ऑर्डर का है? हाँ है। यस सर। बोलो, वैसे भी तुम k into m inverse तो पता है ना तुमको, मैं क्या लिखते हो, मैं 1 upon k लिखते हो ना, k के प्लेस पे क्या है यहाँ पे, minus 1 है, minus 1 है, बाहर आएगा? Yes sir। इससे ही minus बाहर, इससे ही minus बाहर, क्या हो जाएगा, खत्म। तो ये आ गया m n m into m inverse into n inverse into m transpose। इसके बारे में देखो क्या ये आई हो जाएगा, फिर क्या बनेगा एम एन एन इनवर्स एम ट्रांसपोज, बीच वाला फिर से क्या आई बन जाएगा? यस तो क्या बचा एम इनटू एम ट्रांसपोज, क्या एम इनटू माइनस एम लिखोगे क्या हो जाएगा, माइनस एम स्क्वायर आएगा। यस चलेगा, सिंपल है ना। माइनस एम स्क्वायर। देखो आपको होमवर्क क्या क्या दिया जा रहा है, फटाफट देख लो, ये आपका होमवर्क है, जी एडवांस का है, जरूर सॉल्व करना है, ठीक है ना, और सॉल्व होना चाहिए। इसमें देख लो कुछ ऐसा खास कुछ लग नहीं रहा है जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। सर होमवर्क लिख दीजिए उस पे, हो जाएगा ना। कुछ पूछना है तो बताओ, हिंट्स वगैरह देना है क्या इसमें? नहीं सर, खुद करेंगे। नहीं, ये होमवर्क है, उसके बाद डाउट आएगा तो सलूशन भेज दीजिएगा। ये भी होमवर्क है, नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे ना। यस सर। हां ये ठीक है सर। ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। अब ऐसा होना चाहिए क्योंकि थ्योरी आपको आ गया तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, सब अपने को सॉल्व करना है, सबको ट्राई करना है, डरना नहीं है क्वेश्चन से। ये सब आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? चलो ओके बाय। एंड सर डीपीपीज कितनी होंगे मतलब? हाँ डीपीपीज देंगे आपको सर, मॉडल कब भी भेज दीजिएगा।